Hello everyone, welcome to the Macroprocessor and Applications class. In this lecture, we will be discussing the third topic of Module 2. तो Module 2 का जो third topic है वो है Instruction Types. तो आज हम लोग देखेंगे कि Microprocessor में जो Instructions होता है वो कितने तरह का होता है. कोई भी इंस्ट्रक्शन जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को 5 टाइप्स में उसको बांट सकते हैं. तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो होता है डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस. तो डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है. सेकेंड टाइप का जो इंस्ट्रक्शंस है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस. थर्ड टाइप का इंस्ट्रक्शन को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस. फोर्थ टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको कहते हैं ब्रांचिंग ऑपरेशंस. और फिफ्थ टाइप का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको कहते हैं मशीन कंट्रोल ऑपरेशंस. तो जिस तरह का फंक्शन जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे हम लोग किसी भी इंस्ट्रक्शन को 5 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं. और ये 5 कैटेगरीज यहाँ पर ये पांचों जो है ये 5 कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम लोग उसके फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो हम लोग एक एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि किस इंस्ट्रक्शन का क्या काम होता है. तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी इसको कह सकते हैं, या इसको डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप भी कह सकते हैं. तो इसको अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप. तो जैसा कि इसका नाम से ही दिख रहा है कि ये जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में जितना भी इंस्ट्रक्शंस आएगा वो क्या करेगा, ये वैसा इंस्ट्रक्शन होगा जो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, मतलब डाटा को मूव करेगा. और कहाँ से कहाँ मूव करेगा, या तो रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करेगा, या मेमोरी से रजिस्टर में मूव करेगा, या रजिस्टर से मेमोरी में मूव करेगा. तो हम लोग देखते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप में कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस आएगा. तो डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये सारा जो एग्जांपल्स है ये सारा आएगा डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप में. तो पहला इंस्ट्रक्शन जो है इसमें वो है MOV. तो MOV का मतलब क्या होता है, मूव. मतलब इस इंस्ट्रक्शन से हम लोग किसी भी डेटा को मूव करवाएंगे. थर्ड सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है MVI. MVI में ये भी मूव के लिए ही है इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो I इसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं I, उसका मतलब है इमीडिएट. तो MVI का मतलब हो गया मूव इमीडिएट डेटा. जो भी डेटा है वो डायरेक्टली दिया रहेगा और उसको हमको मूव करना है, तो उसके लिए MVI कमांड यूज़ करेंगे. थर्ड टाइप जो है, जो इंस्ट्रक्शन जो इस ग्रुप में आएगा वो है LDA. तो LDA इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को लोड करेगा डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा इन द मेमोरी. उसी तरह से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो है स्टार. स्टार क्या करेगा, स्टार इज़ अ इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोर. तो जैसे ही स्टार इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये क्या करेगा, ये एक्यूमुलेटर को स्टोर कर देगा डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो है LHLD. तो LHLD क्या करेगा, ये लोड करेगा H और L रजिस्टर्स को डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी. जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो है SHLD. SHLD क्या करेगा, ये स्टोर करेगा H और L रजिस्टर्स को डायरेक्टली इन द मेमोरी. तो ये सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे मूव है, या MVI है, या LDA है, या स्टार है, फिर LHLD है, SHLD है, ये सारा इंस्ट्रक्शंस किसके लिए है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या डाटा को मूव करने के लिए. तो ये सारा एग्जांपल्स है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का. इसमें और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आएगा, जैसे कि LXI है, फिर LDAX है, XCHG है और XTHL है. तो ये जो चारों इंस्ट्रक्शंस है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सब सारे इंस्ट्रक्शंस में X जो है वो अल्फ़ाबेट, X अल्फ़ाबेट हर एक इंस्ट्रक्शन में है.
तो ये एक्स का क्या मतलब होता है? तो किसी भी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में अगर एक्स है, उसके उस इंस्ट्रक्शन के नेम में अगर एक्स टर्म प्रेजेंट है, उसका मतलब हुआ कि वो जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ वो डील करेगा किसी भी रजिस्टर पेयर के साथ, और रजिस्टर पेयर जब वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जो डेटा होगा वो 16 बिट का डेटा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक सिंगल रजिस्टर स्टोर कर सकता है सिर्फ 8 बिट ऑफ डाटा। तो अगर रजिस्टर पेयर है तो इसमें 16 बिट ऑफ डेटा होगा, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है LXI, LDAX, XCHG और XTHL, जब भी ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे तो हमेशा यहाँ पर रजिस्टर पेयर होगा, मतलब 16 बिट का डेटा होगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है LXI, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये लोड करेगा रजिस्टर पेयर को विथ इमीडिएट डेटा। आई वर्ड है तो आई वर्ड स्टैंड्स फॉर इमीडिएट डेटा। तो ये जैसे ही इंस्ट्रक्शन देंगे LXI, तो ये क्या करेगा, ये लोड करेगा रजिस्टर पेयर को विथ जो भी इमीडिएट डेटा दिया हुआ है, और ये 16 बिट का डेटा होगा। उसी तरह से LDAX क्या करेगा, ये लोड करेगा एक्यूमुलेटर को फ्रॉम द एड्रेस इन द रजिस्टर पेयर, मतलब ये भी 16 बिट का डेटा होगा। XCHG जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा जो H और L में जो भी कॉन्टेंट्स होगा उसको D और E रजिस्टर पेयर में जो कॉन्टेंट्स होगा उसके साथ एक्सचेंज करेगा, मतलब ये एक्सचेंज करेगा H एंड L रजिस्टर्स के कॉन्टेंट को विद द कॉन्टेंट्स ऑफ D एंड E रजिस्टर पेयर। और XTHL जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है ये क्या करेगा, ये एक्सचेंज करेगा टॉप ऑफ द स्टैक्स, स्टैक जो होता है उसको एक्सचेंज करेगा H और L रजिस्टर पेयर के साथ। तो ये सारा जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि MOV है, फिर MVI है, फिर LDA है, STA है, LHLD है, SHLD है, LXI, LDAX, XCHG और XTHL, ये सारे इंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं, आइदर फ्रॉम रजिस्टर टू रजिस्टर और फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। तो इसलिए ये सारा इंस्ट्रक्शन जो आएगा वो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में आता है। तो इसके बारे में फिर हम लोग थोड़ा डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में फिर मिलते हैं।